नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम की न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर जनपद गाजीपुर से आ रही है, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की शक्ल में मरीजों का इलाज के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं मरीजों को आपको पता चले कि एल1 हॉस्पिटल में शिफ्ट करना और भोजन से लेकर दवा इलाज निःशुल्क कर रही है। दूसरी ओर देखिए क्या हो रहा है। देखिए एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है और मरीजों को एल1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कराकर उनका भोजन से लेकर दवा और इलाज निःशुल्क करा रही है। दूसरी ओर बिना सिम्टम वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा सरकार के द्वारा की गई, लेकिन इस सुविधा में भी एक खेल गाजीपुर में देखने को मिल रहा है, जिसमें आइसोलेशन के मरीजों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 1550 का एक मेडिकल किट अपने एक चहेते मेडिकल स्टोर संचालक के द्वारा बनवाया गया है और उसकी जानकारी के लिए एक प्रेस वार्ता बुलाकर मेडिकल किट के बारे में जानकारी दी गई। एक चीज आप लोग समझ रहे हैं कि एक मेडिकल किट हमने बनवाया है और वो उपलब्ध हमने शांति मेडिकल स्टोर एक है हॉस्पिटल रोड पर उनसे बात किया है, वो मैंने बनवा लिया है। उसमें एक चीज़ हम डिजिटल थर्मामीटर भूल गए थे और वो 120 रुपये का जोड़ने के बाद लगभग 1550 रुपये उसकी कीमत है। तो उसका एक किट जो है ये राधे मोहन सिंह पूर्व सांसद उनके दुकान से मंगवाए गए हैं और वो स्वयं क्योंकि पॉजिटिव हैं तो वो होम आइसोलेशन में अपना यूज कर रहे हैं। तो आप लोग ये कर दें कि शांति मेडिकल स्टोर पे जो भी होम आइसोलेशन के हैं वो सभी किट के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए वो सब उपलब्ध है। अच्छा, विशेष रूप से हम लोग जो दवाएँ देते हैं बहुत साधारण सी दवाएं हैं, एक एंटीबायोटिक है 5 दिन के लिए, पैरासीटामॉल है 10 दिन के लिए, बी कॉम्प्लेक्स है, सिलॉक है, सेप्टिजिन, ये टेबलेट सामान्य है, लेकिन उसके साथ एक केयर टेकर होना चाहिए घर पे कि जो स्वयं उस व्यक्ति का ख्याल करे, घर के अंदर भी मास्क लगा के रहें, साबुन से हाथ धोएं, ये सब चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन